तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JD कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिए, यहाँ से सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलो दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी की अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलने वाला है SSC की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर SSC की ओर से आपको बम्पर से भी ज़्यादा बम्पर भर्ती मिलने वाली है। भर्ती दोस्तों यहां पर आपको मिलेगी सभी प्रकार की, चाहे आप 10th क्लास पास आउट हो, चाहे आप ग्रेजुएशन पास आउट हो, या 12th क्लास पास आउट हो, UG हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो, ITI हो, सारी चीज़ों के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको बम्पर भर्ती मिलने वाली है। तो हम आपको बताएंगे सारी जानकारी, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपली तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको गूगल पर सर्च करना है SSC। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको गूगल से बता देता हूँ सारी चीज़ें। आपको सिंपली तरीके से केवल SSC ही आपको सर्च करना है। सर्च करेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, होम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन GOI या फिर GOE, यहाँ पर आप आएंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आज की डेट में दोस्तों ये नोटिफिकेशन अपडेट हो गया आया है, इंपॉर्टेंट नोटिस द एस्पिरेंट्स। दोस्तों इसको आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आज की डेट में ही आपको अपडेट मिलेगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन या नोटिस फाइल किया गया है द कमीशन इन द कंटिन्यूस एफर्ट द एक्सपेक्ट एंड रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी टेकिंग द प्रोसेस फिलिंग द अबाउट 70,000 एडिशनल वैकेंसी नोटिस द स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन विल बी अपलोडेड इन वेबसाइट ड्यू कोर्सेस कैंडिडेट आर द एडवाइज द वेबसाइट कमीशन रेगुलरली इंटरवल इन द फर्दर अपडेट। तो दोस्तों यहां पर आज की डेट में ये अपडेट आया है, अनाउंसमेंट किया गया है कि आपके लिए यहां पर 70,000 भर्ती निकाली जाएगी, जो कि आपकी यहां पर इसी मंथ से स्टार्ट हो जाएंगी, इसी मंथ से आपकी यहां पर भर्ती शुरू हो जाएगी, और ईयर के लास्ट तक दोस्तों यहां पर SSC आपके लिए कम से कम 70,000 भर्ती आपको करने वाली है। 70,000 पोस्टों में क्या क्या आपको भर्ती मिलेगी, चलिए दोस्तों वो हम आपको बता देते हैं। 70,000 पोस्टों को आपको कैसे डिवाइडेशन करके दिया गया है, किस तरीके से आपको किस किस विभाग में आपको ये 70,000 पोस्टें मिलने वाली। तो सिंपली तरीके से दोस्तों यहाँ पर हम आएंगे और जरा से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कैलेंडर, एग्जामिनेशन कैलेंडर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे 70,000 पोस्टों को कैसे कैसे यहाँ पर डिवाइडेशन करके दिया गया है। तो नाउ प्रेजेंट टाइम में दोस्तों जो आपकी भर्ती चल रही थी वो यहां पर 5 नंबर पर देखिए, रिक्रूटमेंट हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दिल्ली पुलिस की। तो दिल्ली पुलिस का दोस्तों यहां पर 16/6/2022 तक यहां पर आपका खत्म हो चुका है, ये सितंबर में आपका एग्जाम रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर जब आपकी स्टार्ट होने वाली है भर्ती, वो देख लीजिए, रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस, यहां से आपका स्टार्टिंग होगा। 27 जून से फॉर्म भरना आपके स्टार्ट हो जाएंगे, इसके साथ साथ 26 जुलाई तक आप ये फॉर्म भरेंगे, 22 अक्टूबर 2022 आपका एग्जाम रहेगा। इसके बाद रिक्वायरमेंट हेड कांस्टेबल में AWO और TPO की यहां पर आपको भर्ती मिलेगी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ही। जो फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 4 जुलाई से 3 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, नवंबर में आपका एग्जाम रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, जो कि है सेंट्रल आर्म फोर्स की पुलिस फोर्स की, यहां पर आपको भर्ती मिलेगी, जिसमें दोस्तों यहां पर आपका जो पेपर है वो पेपर आपका 14 अगस्त 2022 को होगा, 13/9/2022 तक आप यहां पर फॉर्म के लिए कंप्लीट कर सकते हैं, ये आपका दिसंबर में एग्जाम रहेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपको दिया गया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जूनियर ट्रांसलेटर की एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के एग्जामिनेशन की। तो ये 22 अगस्त से आपके फॉर्म भरेंगे, 21 सितंबर तक आप ये फॉर्म कंप्लीट करेंगे, दिसंबर में ही आपका पेपर होगा। बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट IMD की, एग्जामिनेशन रहेगा आपका 29 अगस्त से भरे जाएंगे फॉर्म, 28 सितंबर यहाँ पर रहेगी लास्ट डेट, जनवरी के माह में आपका एग्जाम रहेगा। इसके बाद रिक्रूटमेंट MTS मिलेगा, जो कि सिविलियन है दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ही, 11 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 15 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, फरवरी में ये आपका एग्जाम रहेगा 2023 में। इसके बाद जूनियर सिविल इंजीनियर की, जो आपकी JEE की पोस्ट रहेगी, जिसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के आपके रहेंगे सब्जेक्ट, जिसमें 28 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, मार्च में आपका ये एग्जाम रहेगा। स्टेनोग्राफर CND की बात करते हैं तो 5 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, 31 दिसंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, अप्रैल में आपका एग्जाम रहेगा 2023 में। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट आएगी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत मेल फीमेल के लिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव ये रहेगा आपका जनवरी 2023, 9 जनवरी से 12
फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, मई में आपका एग्ज़ाम रहेगा। और जो फाइनली यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा पोस्टें आएंगी, समथिंग यहाँ पर तो दो दो पाँच पाँच दस दस हज़ार पोस्टें आएंगी, लेकिन जो ज़्यादा पोस्टें आएंगी वो आएंगी आपकी कांस्टेबल जीडी की, सेंट्रल आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स, आईएनए, एनआईए, एसएफ, असम राइफल। तो ये आपका जो रहेगा वो है 22/2/2023 नेक्स्ट ईयर में आपकी रहेगी भर्ती। तो समथिंग दोस्तों यहाँ पर आपका मार्च 2023 तक का एक कैलेंडर है, इसके अनुसार ही आपको यहाँ पर 70,000 पोस्टों का क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये आप चेकआउट कर सकती हैं और रेगुलरली आप इसको चेकआउट करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर सभी जानकारी मिलती रहेगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों।